कहानी की शुरुआत में ही हम मृतिका नाम की एक लड़की को देखते हैं और मृतिका का बॉयफ्रेंड का नाम था राहुल। और इसके साथ ही हम मृतिका के बेस्ट फ्रेंड पोलोमी को देखते हैं और पोलोमी मृतिका को समझाने की कोशिश करती है कि वो राहुल के जैसे एक अनस्टेबल लड़के के साथ रिलेशन में ना रहे। लेकिन मृतिका पोलोमी की बात सुनती और वो राहुल के साथ अपने इस रिलेशन को कंटिन्यू करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मृतिका राहुल के साथ एक क्लब में जाती है, लेकिन क्लब में जाने से पहले ही मृतिका को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और एक आदमी मृतिका को वार्न करता है कि वो राहुल से दूर रहे क्योंकि राहुल मृतिका को नुकसान पहुंचाने वाला है और वो आज मृतिका के ड्रिंक में कुछ नशे की चीज मिलाएगा। लेकिन मृतिका उस आदमी को उल्टा सीधा सुना देती है और उसके किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती। इसके बाद वो फोन कट कर देती है। इसके बाद राहुल और मृतिका क्लब जाते हैं और वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद राहुल मृतिका को ड्रिंक देता है और उसे पीने के बाद ही अचानक मृतिका की तबीयत खराब होने लगती है और वो जब वॉशरूम जाती है तो उसे फिर से वही कॉल आता है और मृतिका को लगता है कि राहुल ने ही शायद उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया है और वो राहुल से झगड़ा करके क्लब से निकल जाती है। और नशे के हालत में ही वो ड्राइव करके जा रही थी और अचानक उसके कार के साथ एक आदमी का टक्कर लग जाता है और वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन मृतिका अपने कार को नहीं रोकती और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सुबह जब मृतिका की आँख खुलती है तो वह अपने घर में थी और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसके बाद वो टीवी ऑन करती है और उसे एक ही न्यूज़ चैनल में पिछली रात को जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी खबर मिलती है और वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद मृतिका पोलोमी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है और पोलोमी उस वक्त काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी और वो मृतिका को थोड़ी ही देर में फिर कॉल करने के बारे में कहती है। और इसके ही बाद राहुल मृतिका से मिलने के लिए आता है, लेकिन मृतिका उसे इंसल्ट करके वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद पोलोमी मृतिका को कॉल कर उसे कहती है कि उसने मृतिका के लिए एक जगह पर रहने का इंतजाम किया था। दरअसल शहर से बाहर एक घर में दो बुजुर्ग कपल रहते हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा है। वो लोग कुछ काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और इसीलिए उनके बेटे को संभालने के लिए उन्हें एक नैनी चाहिए और पोलोमी मृतिका को उसी घर में रहने का इंतजाम करवा देती है और वो मृतिका को जल्द से जल्द कुछ सामान लेकर अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है और मृतिका ऐसा ही करती है। और इसके बाद रात को वो उसी घर में पहुंचती है और घर में रहने वाली औरत से मृतिका की मुलाकात और वो औरत मृतिका के कमरे में लेकर जाती और अगले दिन सुबह मिलने के लिए कहती है। और इसके बाद जब सुबह मृतिका उठती है तो वो औरत अपने पति और अपने बेटे के साथ मृतिका की मुलाकात करवाती है और मृतिका उस औरत के बेटे को देखकर हैरान होती है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डमी था जो देखकर मृतिका को बहुत डर लगता है। और वो औरत और उनके पति उस डमी को मृतिका के सामने उन लोगों के बेटे जोजो के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे थे जो देखकर मृतिका कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद वो लोग मृतिका जोजो का कैसा ख्याल रखना है वो समझाकर बाहर से निकल जाए और हम अनिर्बान नाम के एक लड़के को देखते हैं और अनिर्बान मृतिका से मिलता है। अनिर्बान मृतिका को कहता है कि ये दो बुजुर्ग कपल उसके आंटी और अंकल है। दरअसल उन लोगों का दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। दरअसल बहुत साल पहले उन लोगों का एक बेटा था और बीमारी में उसकी मौत हो गई थी और अपने बेटे की मौत को ये दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसीलिए उन लोगों ने एक इमेजिनरी बेटा बना लिया और इस डमी को ही अब वो लोग अपना बेटा मानते हैं और अपने दुनिया में वो लोग खुश है। और अनिर्बान जब इस बात को समझता है तो वो भी उन लोगों की इस गलतफहमी को दूर नहीं करता और हर 3 महीने में उन लोगों को अपने इलाज के लिए चेन्नई जाना पड़ता है और ऐसे ही वो लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। और इसके बाद अनिर्बान मृतिका को ये पूरा घर घुमाकर दिखाता है और वो मृतिका को जोजो के कुछ दवाइयों के बारे में कहता है जो कि उसके अंकल आंटी के आने से पहले ही मृतिका समझ बूझ के इस्तेमाल करे और वो कहता है कि उन लोगों के आने से पहले ही वो इस डमी को थोड़ा साफ सुथरा करके रखे, बस उसे और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मृतिका इतने बड़े घर में अकेले रहने से डर रही थी
और अनिर्बान कहते हैं कि उसे 2-3 दिनों के लिए शहर जाना पड़ेगा और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और मृतिका इस पूरे घर में अकेले रहने लगती है। और इसके बाद शाम हो जाती है और जोजो जिस रूम में रह रहा था उस रूम से टीवी चलने का आवाज आ रहा था और मृतिका जब जाकर देखती है तो वो देखती है कि वो डमी टीवी के सामने बैठकर टीवी देख रहा है और टीवी अपने आप ही चल गई है। ये देखकर मृतिका काफी डर जाती है और वो उसी रूम के बाहर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जब उसे होश आता है तो वो इस घर से चले जाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर उसे डर लगता है क्योंकि वो शहर वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसके कार के साथ एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है और वो इंसान मर चुका है और इस घर से बाहर जाएगी तो मृतिका को जेल हो सकती है, इसीलिए उसे मजबूरन इसी घर में रुकना पड़ता है। लेकिन उसे इस घर में अकेले रहने से काफी डर भी लग रहा था। जो भी हो, उस दिन फिर से रात होती है और मृतिका देखती है कि जोजू का डमी कभी कमरे के अंदर और कभी डाइनिंग स्पेस में आ रहा था और ये देखकर मृतिका डर के मारे घर से बाहर दौड़ने लगती है और दौड़ते दौड़ते अचानक मृतिका एक कार के साथ टकराती है और देखा जाता है कि पोलो में वहाँ पर आई हुई है और वो मृतिका को संभालती है। इसके बाद जब मृतिका को होश आता है तो पोलोमी के साथ वो बात करती है। दरअसल मृतिका ने ही पोलोमी को कॉल किया था और पोलोमी जल्द से जल्द यहाँ पर आ गए थे और पोलोमी मृतिका को समझाने की कोशिश करती है कि ये बस एक डमी है और मृतिका के साथ पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद वो ये सब कुछ हेल्यूसिनेट कर रही है। और पोलोमी के आने के बाद मृतिका को थोड़ा हौसला मिलता है और मृतिका पोलोमी को कहती है कि उसके हाथों किसी इंसान का खून हुआ है और वो काफी गिल्ट महसूस कर रही थी। पोलोमी उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ था इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो तो खुद ही खतरे में थी और वो मृतिका को हौसला देती है। और इसके बाद शाम को पोलोमी और मृतिका एक साथ एंजॉय करने का फैसला करते हैं, लेकिन अचानक पावर कट हो जाता है और मृतिका जब कैंडल जलाती है तो वो कमरे में जाकर देखती है कि वहाँ पर पोलोमी की डेड बॉडी पड़ी हुई और उसे बहुत डर लगता है और वो भागते हुए घर के बाहर आती है और वो अनिर्बान के साथ टकरा जाती है। और इसके बाद अनिर्बान को वो सब कुछ कहती है और वो लोग जब घर के अंदर आते हैं तो वो लोग काफी डर जाते हैं और अनिर्बान मृतिका को कहता है कि घर में एक डेड बॉडी है, इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और घर में भी किसी एक का रहना जरूरी है। लेकिन मृतिका अकेले इस घर में रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए अनिर्बान मृतिका को नजदीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस को लेकर आने के लिए कहता है और वो खुद घर में रुक जाता है। इसके बाद मृतिका जल्द से जल्द जाकर 2 पुलिस वालों को लेकर आती है, लेकिन जब वो लोग घर में आते हैं तो घर बिल्कुल सुनसान खाली पड़ा हुआ था और इसके बाद देखा जाता है कि एक एक करके 2 पुलिस ऑफिसर्स पर हमला होता है और उन्हें मार दिया जाता है और आखिरकार अनिर्बान सामने आता है और हम देखते हैं कि इन सबके पीछे दरअसल अनिर्बान था और वो एक साइको था। और इसके बाद हम इन लोगों के बचपन की कहानी देखते हैं। दरअसल मृतिका और अनिर्बान जब स्कूल में पढ़ते थे तब अनिर्बान मृतिका को बहुत पसंद करता था, लेकिन मृतिका ने कभी भी अनिर्बान को भाव नहीं दिया और मृतिका के प्यार में अनिर्बान पागल हो चुका था, इसीलिए मृतिका के आसपास कोई लड़का अगर आता तो वो उसे मार डालता, यहाँ तक कि उसने खुद भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश किया था। लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनती है और इसके बाद मृतिका अपने पेरेंट्स के साथ कोलकाता चली आती है और अनिर्बान भी मृतिका को ढूंढते हुए कोलकाता आ जाता है और बहुत मुश्किलों के बाद उसे मृतिका के बारे में पता चलता है और इसके बाद से ही वो मृतिका को फॉलो कर रहा था। यहाँ तक कि राहुल के साथ जब मृतिका का रिलेशन होता है तो वो उन लोगों के रिलेशन को तोड़ने के लिए भी बहुत कोशिशें करता है। और ये भी देखा जाता है कि क्लब में अनिर्बान ने ही मृतिका के ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी और उसने ही मृतिका के दिल में राहुल के लिए शक पैदा किया था। और यहाँ तक कि मृतिका के कार के सामने जो आदमी टकराया था वो भी अनिर्बान ही था और ये सब कुछ करके उसने मृतिका को डराया जिससे कि वो उसे इस घर तक ला सके और पोलोमी को भी अनिर्बान ने ही मारा था और ये सब कुछ करके वो मृतिका को डराना चाहता था। इसके बाद अनिर्बान मृतिका को कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और मृतिका अनिर्बान को देखकर बहुत डर रही थी। और आखिरकार हम देखते हैं कि मृतिका के पास ही जोजो का डमी रखा हुआ था और वो उसी डमी को लेकर अनिर्बान के सर पर वार करती है और वहीं पर अनिर्बान की मौत हो जाती है और मृतिका इस घर से चली जाती है।
और आखिर में हम देखते हैं कि मृतिका राहुल के साथ थी और उन लोगों के बीच जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब कुछ अब क्लियर हो चुका था और मृतिका की जिंदगी में इन कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें हो गई थी और अब राहुल उसके साथ था और वो दोनों एक साथ खुश थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।